एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस एबल कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं एंड दिस न्यूमेरिकल इज रिलेटेड विद द सब्जेक्ट सोम, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको एक क्वेश्चन में देखा होगा, ये फिगर है। आपको यहाँ पर तीन बार दिए हुए हैं, ए बी सी डी और ई एफ बार दिया हुआ है, जो एक रिजिड मटेरियल से कनेक्टेड है और यहाँ पर ये हैंग है, इस तरीके से ये फिक्स जॉइंट दिया हुआ है, ये फिक्स है तीनों बार। और आपको यहाँ पर 15 किलो न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है, ये बार ए बी और सी डी के मिडिल पोर्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और तीनों बार आपके स्टील बार से मिलकर बना हुआ है, यानी कि तीनों बार आपका स्टील बार है। और आपको एरिया ऑफ द बार ए बी और एरिया ऑफ द बार ई बी, ये दोनों का आपको एरिया सेम दिया हुआ है, डेट इज़ 50 mm², और एरिया ऑफ द बार सी डी जो है आपको 30 mm² दिया है। आपको निकालना क्या है, तीनों बार में जितने फोर्स डेवलप हो रहे हैं उसको कैलकुलेट करना है, यानी फोर्स डेवलप इन बार ए बी, फोर्स डेवलप इन बार सी डी एंड फोर्स डेवलप इन बार ई एफ, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे जितने फोर्स लग रहे हैं उसका एफबीडी डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ 15 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है, तो बाकी जितने फोर्स यहाँ पर जनरेट होंगे, रिएक्टिव फोर्स जो कि आपके बार्स में जनरेट होंगे, वो अपवर्ड डायरेक्शन होंगे, ताकि इन सारे फोर्स को वो बैलेंस करें। तो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो से आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों फोर्स में और ये 15 किलोमीटर फोर्स में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो जो मेरा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव लिया है, और जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको मैंने नेगेटिव लिया है। तो ये तीनों जो फोर्स आप देख रहे हैं, एफ ए बी, एफ सी डी और एफ ई एफ, ये वर्टिकली अपवर्ड है, इसको मैंने पॉजिटिव लिया, और ये जो 50 किलोमीटर का फोर्स है वो नीचे लग रहा है, इसको मैंने नेगेटिव लिया, इज इक्वल टू जीरो। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ये आया, तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, तो एफ ए बी प्लस एफ सी डी प्लस एफ ई एफ इज इक्वल टू 15 आया, इसको मैंने इक्वेशन वन नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, इस जो पॉइंट ए पे, यहाँ पर जो आपका बार कनेक्टेड है, इस पॉइंट ए पे आप समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो करके रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे इन तीनों फोर्सेज में। तो आप देख रहे हैं कि बार ए बी में जो फोर्स ए बी है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और चूंकि ये इसी पॉइंट से होकर गुजर रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस पॉइंट ए से जा रहा है, तो इसके में कोई मोमेंट डेवलप नहीं होगा ड्यू टू फोर्स एफ ए बी, तो एफ ए बी इनटू जीरो हो गया। और मैंने यहाँ पर क्या साइन कन्वेंशन लिया है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा उसको मैंने नेगेटिव लिया है, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको मैंने पॉजिटिव लिया है। तो यहाँ से देखिए, जो 15 किलोन्यूटन का फोर्स है वो पॉइंट ए पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट जनरेट करेगा, तो उसको मैंने नेगेटिव लिया है। और ये फोर्स और पॉइंट ए के बीच का जो डिस्टेंस है 0.2 है, तो -15 × 0.2 लिखा। उसके बाद ये फोर्स एफ सी डी की बात करें, तो इस पॉइंट ए पे वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएगा, और इनके बीच का डिस्टेंस है 0.4, तो एफ सी डी इंटू 0.4 लिया। सिमिलरली एफ ई एफ पॉइंट ए पर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसलिए पॉजिटिव लिया है, और बीच का डिस्टेंस जो होगा आपका वो 0.8 होगा, तो एफ ई एफ इंटू 0.8 इज इक्वल टू 0 मैंने लिखा। तो आप यहाँ से एफ सी डी और एफ ई एफ में रिलेशन एस्टैब्लिश कर लेंगे। इसको मैंने सॉल्व किया, तो आपका जो रिलेशन निकल कर आया 2 FCD + 4 EF इज इक्वल टू 15, ये मेरा दो इक्वेशन हो गया। लेकिन अभी भी मुझे क्या निकालना है, तीन फोर्स निकालने हैं और मेरे पास दो ही इक्वेशन है, तो अभी भी एक इक्वेशन की कमी है, तो इसको मैं कंपेटिबिलिटी इक्वेशन से सॉल्व करूँगा। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये रिजिड दिया है, इसमें किसी तरह का कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा ड्यू टू फोर्स 15 किलो न्यूटन। लेकिन ये जो बार है, जो स्टील बार्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो हैंगिंग कंडीशन में है, वर्टिकली हैंगिंग कंडीशन में है, तो इसमें क्या होगा, इलोंगेशन होगा ड्यू टू फोर्स 15 किलो न्यूटन। तो याद रखिएगा, अगर ये जो फोर्स मिडिल सेक्शन में होता है, तो तीनों बार्स में इलोंगेशंस सेम होते हैं, लेकिन ये इसेंट्रिक टाइप है, यानी कि ये 15 किलो न्यूटन का फोर्स आपको मिडिल सेक्शन पर ना लग के इसेंट्रिक कंडीशंस में लग रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो फोर्स है 15 किलो न्यूटन को, जिस बार्स के नज़दीक होगा वहाँ ज़्यादा आपको इलोंगेशन देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलोंगेशंस कम होता चला जाएगा। तो मैं इसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं ये तीनों बार का कंडीशन है, तो ए वाला पॉइंट है इलोंगेट होकर ए डेस पर आ जाएगा, सी वाला सी डेस पे, और ई वाला ई डेस पे होगा। मैंने क्या किया है, बार ए बी में जो इलोंगेशन हुआ उसको डेले से डिनोट किया है, और बार सी डी में जो इलोंगेशन हुआ है उसको मैंने डेल्टा सी से डिनोट किया है। सिमिलरली मैंने बार ई एफ का जो है इलोंगेशन उसको डेली से डिनोट किया है। उसके बाद देखिए, ये वाला पोर्शन को अगर इस तरीके से आप ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इतना जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है डेली सब में सेम होगा। ये एक्स्ट्रा वाला पोर्शन को मैंने यहाँ से वाई नाम दे दिया है, और ये वाई डेस दिया है। अब यहाँ से देखिए, ये जो डेल्टा ए है, जो बार ए बी में डिफॉर्मेशन हुआ है, इलोंगेशन हुआ है, ये क्या हो जाएगा, डेली प्लस वाई। और सिमिलरली अगर हम डेल्टा सी, जो कि इलोंगेशन इन द बार सी डी है, उसको मैंने
क्या लिख सकता हूँ, डेली और प्लस वाई डेस, ये मेरा एक इक्वेशन निकल कर आया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाला जो ट्राइंगल देख रहे हैं, ये जो ट्राइंगल देख रहे हैं इसमें सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी हम लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये y अपॉन दिस डिस्टेंस यानी y अपॉन 0.8 और y डैश अपॉन ये वाला, तो हो जाएगा y डैश अपॉन 0.4। तो जब आप इसके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे तो y इज इक्वल टू 2y डैश आ जाएगा। तो इन a और b इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम इन दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे इलोंगेशन वाले में। तो डेल्टा a को आप क्या ले सकते हैं, जो कि डिफॉर्मेशन बार इन ए बी था, डेली प्लस वाई लिख सकते हैं, और वाई इज इक्वल टू आपका 2y डैश था। तो मैंने क्या किया कि एक बार डेली को जोड़ा हूँ और एक बार डेली को डिडक्ट किया हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डेली प्लस वाई डैश आ जाएगा और माइनस ऑफ डेली हो जाएगा। और आप जानते हैं कि डेली प्लस वाई डैश यहाँ से ये क्या है, डेल्टा सी के बराबर है, यानी कि इलोंगेशन इन बार सी डी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से रिलेशन निकल कर आ गया, डेल्टा ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द डेल्टा सी माइनस डेल्टा ए, यानी कि इलोंगेशन इन बार ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द इलोंगेशन इन बार सी डी और माइनस ऑफ इलोंगेशन इन बार ई एफ। अब इसी रिलेशन का इस्टेब्लिश यूज़ करके हम लोग फोर्स के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। देखिए आप जानते हैं कि इलोंगेशन इन बार इज इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू लेंथ ऑफ द बार और डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बार इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू 2 डेल्टा सी माइनस डेल्टा ए, सब के लिए हम लोग इसी इक्वेशन का यूज़ करके फॉर्मूला लिखेंगे। तो ए बी में के लिए जो इलोंगेशन डेल्टा ए क्या लिख सकते हैं, फोर्स इन बार ए बी इनटू लेंथ ऑफ द बार ए बी डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ए बी और इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द बार ए बी। सिमिलरली आप 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा सी के लिए आप लिख सकते हैं फोर्स इन बार सी डी इंटू लेंथ ऑफ द बार सी डी डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सी डी और इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बार सी डी, और माइनस ऑफ डेल्टा ए के लिए आप लिखेंगे फोर्स इन द बार ई एफ डेट इज एफ ई एफ इंटू लेंथ ऑफ द बार ई एफ डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ई एफ और इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बार ई एफ। अब यहाँ पर देखेंगे सबका लेंथ सेम था, तो ये एल सबका कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ध्यान देने में बात है कि जितने भी बार हैं सब स्टील के बने हुए हैं, जिससे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ऑल द बार्स विल बी सेम, तो मैंने ई ले लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ई ई कैंसिल हो जाएगा, तो जो मेरा रिलेशन निकल कर आएगा एफ ए बी बाय, अच्छा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बार ए बी आपको गिवन था 50 mm स्क्वायर का, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार बार सी डी का दिया था आपको 30 mm स्क्वायर का, और क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार ई एफ आपको दिया हुआ था 50 mm स्क्वायर का। तो सारा का वैल्यू यहाँ पर आपने लिख दिया। उसके बाद जब आप रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे तो आपको निकल कर आएगा 3 FAB माइनस 10 टाइम्स ऑफ एफ सी डी और प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ ई एफ इज इक्वल टू 0। तो ये तीन इक्वेशन हमको मिल गया, यानी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तीनों इक्वेशन को लिख डाला, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये तीनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है और मेरे पास तीन अननोन है और तीन इक्वेशन है, तो इनका हम यूज़ करके फोर्स ए बी फोर्स सी डी और फोर्स ई एफ निकाल सकते हैं। तो जब मैंने सॉल्व किया तो फोर्स ए बी निकल कर आया 9.52 किलो न्यूटन, फोर्स इन द बार सी डी आपको निकल कर आया 3.46 किलो न्यूटन एंड फोर्स इन द बार ई एफ निकल कर आया 2.02 किलो न्यूटन। So this will be the answer, that is the force generated due to the force 15 kN in the bar AB, bar CD and bar EF respectively. So this is the solution for this question. Thanks for watching.